श्री फतेहगढ़ साहिब में पत्रकार यूनियन द्वारा डिप्टी कमिश्नर के साथ एक बैठक की गई और पत्रकारों को आ रही दिक्कतों को लेकर अवगत करवाया। वहीं श्री फतेहगढ़ साहिब में बने अस्पताल, दफ्तर और स्कूलों को बेहतरीन बनाने के सुझाव दिए गए। फील्ड में काम कर रहे पत्रकारों की भलाई के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब को मांग पत्र सौंपा गया। पत्रकारों की मांग थी कि फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों की मुश्किलों को संपर्क अफसर द्वारा कमेटी बनाकर पत्रकारों के विचार सुनने के बाद उनको पहल के आधार पर हल किया जाए और जिसके पहले कार्ड बन चुके हैं उनका बस किराया मुफ्त होना चाहिए। पत्रकारों को 5 लाख तक की डॉक्टरी सहूलत दी जानी चाहिए। जब इस विषय के बारे में डिप्टी कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने पत्रकारों की बातों को पहल के आधार पर हल करने का वायदा किया। साड़ी पत्रकार यूनियन दी फतेहगढ़ साहब दी डिप्टी कमिश्नर श्री शिवदलार सिंह जी ने मीटिंग सी ते अपनियां पत्रकारां दीआं मुश्किलां दसियां ते उन्हां नाल बहुत वधिया साडी मीटिंग हुई है ते असीं चाहुंदे वी अगे नूं वी इहो जिहियां मीटिंगां हुंदियां रहिण। डी साहब बहुत वधिया बंदे ने ते उन्हां ने पूरा कोऑपरेट कीता ते मुश्किलां हल करन दा भरोसा दित्ता। देखो जी, पत्रकार जिहड़े हुंदे आ उह दे आर द फोर्थ कॉलम हिस्सा हैगे साडे बिल्कुल। और मैं तां इह समझदा वी जिवें सरकार दे एडमिनिस्ट्रेशन दे आईज एंड ईयर हुंदे आ ते मतलब सानूं कई वारी हरेक जगह सरकार के नुमाइंदे नहीं हो सकते। सो पत्रकारों को कई बार इनफॉर्मेशन आती है कोई तो वो सानू तो जाणू कराते हैं तो ये एक बड़ा अहम अंग है तो समाज का। और अज कट्ठे सारे आए थे, बड़ी मैं खुशी हुई सारे मिलकर क्योंकि कई वैटरन पत्रकार भी सके, नवे भी सके, नौजवान भी सके। उन्होंने विचार सुन के कुछ उन्होंने डिमांड दतिया है वो मैं हाले सारिया नहीं पढ़िया बट आई गो थ्रू दैम तो जिन्हिया भी है जो जो भी असी कर सकते हैं जरूर करा। फतेहगढ़ साहिब से संदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।